हाउ टू फिक्स HDFC बैंक इंस्टेंट सैलरी ऐप सॉरी अनेबल टू कनेक्ट सर्वर प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ठीक है, ये दोस्तों बेसिकली यहाँ पे एक सर्वर एरर है, जो कि दोस्तों हमें तब देखने को मिल जाते हैं जब हमारे यहाँ पे अकाउंट या फिर ऐप के अंदर पे हम जब जाते हैं और उनका सर्वर जो है यहाँ पे डाउन रहते हैं या फिर सर्वर में प्रॉब्लम होते हैं, तो तब हमें ये चीज़ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे क्या सॉल्यूशन करना है, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो भी सॉल्यूशन होगा उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम जरूर फिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको दोस्तों मोबाइल रिस्टार्ट करके देख लेना है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका जो नेटवर्क का सर्वर है वो जा चुका है। कभी कभी क्या होता है, हम इंटरनेट को ऑन करके ऐसे रख देते हैं तो इंटरनेट ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे डिस्कनेक्ट होके रह जाते हैं। तो आप एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखें और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह को चेक करें एंड देन ट्राई करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम रिस्टार्ट से फिक्स हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो जाइए दोस्तों मोबाइल के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन कीजिए, सिस्टम पर जाइए एंड देन यहाँ पे आपको रिसेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, रिसेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे क्लिक कर देना है एंड देन आपको रिसेट सेटिंग कर देना है। इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो जाएगा और ये होने के बाद में दोस्तों आप ऊपर में जाइए वाईफाई एंड नेटवर्क एंड देन सिम एंड नेटवर्क पे जाइए। उसके बाद आपका मोबाइल डेटा को जो है एक बार बंद करके ऑन कर दीजिएगा यहाँ पे, और प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप को जो है आप स्विच करके देखिए बिटवीन 2G 3G और 4G के बीच में। सारे साथ दोस्तों सिम के अंदर पे जाइए और एक्सेस पॉइंट को रिसेट कर दीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका इंटरनेट कनेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद में दोस्तों आप चेक करके देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो आप फिक्स कर सकते हैं। एंड दोस्तों मेक श्योर आपका जो ये ऐप है वो दोस्तों अपडेट वाला वर्जन का रहे। अगर अपडेट वगैरह नहीं किया हुआ है तो अपडेट कर लेना, अपडेट करने के साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर दोस्तों आप सेटिंग पर जाए एंड देन ऐप एंड नोटिफिकेशन को ओपन करें। यहाँ पे आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन मैनेज ऐप इंस्टॉल ऐप करके ऑप्शन मिलेगा। उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको ये सर्च करना है, ठीक है, HDFC बैंक इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग। उसके बाद मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पे जाइए और यहाँ पे डेटा को चेक कर लीजिए, आपका वाईफाई एंड डेटा यूजेस डिसेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सेटिंग कुछ इस प्रकार से है, लिखा हुआ है डिसेबल वाईफाई डिसेबल डेटा यूजेस। अगर इसको ऑन करते तो डिसेबल हो जाएगा डेटा एंड वाईफाई। लेकिन मान लीजिए आपके मोबाइल पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई एंड डेटा यूजेस ओनली, तो आपको ये सेटिंग ऑन करना होता है। ठीक है, तो इस सेटिंग को फॉलो कर लीजिए आपके मोबाइल के सेटिंग के हिसाब से एंड देन चेक करके देख ले, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐप का जो आप सर्वर का इशू आ रहा है, सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।